Hey guys, welcome back to another vlog. Today's vlog is completely based on how to make paper craft swing with easy steps. तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया एक कार्डबोर्ड, इसको हमने 20x14 सेंटीमीटर के साइज में कट कर लिया है। गाइज, अब हमारा जो कार्डबोर्ड था उस पर हमने वाइट पेपर को पेस्ट करके अच्छे से इसको कवर कर दिया है। गाइज, इसके बाद हमने एक कलरफुल पेपर लिया है, उसको मैंने पतली पट्टी के रूप में कट कर लिया है। इसी तरह हम तीन और पट्टियाँ कट कर लेंगे पेपर की और इसको चारों तरफ हम अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए गाइज, जो हमने तीन और पट्टियाँ कट की थी वो हमने इस पेपर पे अच्छे से चिपका दिया है। चारों पट्टियाँ अच्छे से चिपकाने के बाद हम एक वाइट पेपर लेंगे जिसको हम 21x6 सेंटीमीटर के साइज में कट कर लेंगे और इसका पाइप बनाएंगे। पाइप बनाने के लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका पाइप बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। पाइप बनाने के लिए इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है। करने के बाद जो साइड में से थोड़ा सा पेपर बचेगा उसको हमें ऐसे फोल्ड करके ग्लू लगा के उसको चिपका लेना है। अब उस पाइप को बनाने के बाद हम कलरफुल कागज़ लेंगे, आपके पास जिस भी कलर का हो आप उस कलर के कागज़ को पट्टी के रूप में तैयार करते हुए इस तरह से चिपका सकते हैं इस कागज़ के साथ। इसी तरह हम 6 पट्टियाँ और तैयार कर लेंगे और टोटल हम इसी तरह 7 पट्टियाँ बना लेंगे। और अब हम इन्हें बाकी के जो पाइप बनाए हैं 6 और, उन्हें भी इन पट्टियों को उन पर इसी तरह चिपका देंगे और ये हमारे पास टोटल 7 पाइप बनके तैयार हो गए हैं। अब हमारे पास जो कार्डबोर्ड था उसको हमने अगेन इस अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से इस तरह से कट कर लिया है। अलग अलग मेजरमेंट में कार्डबोर्ड को कट करने के बाद हम जो भी कवर्स तैयार करेंगे कार्डबोर्ड की मदद से इस तरह से। अब हमने पहले जो कार्डबोर्ड तैयार किया था वाइट पेपर को पेस्ट करके उस पर जो हमने पाइप बनाई थी, अब हम वो पेस्ट करेंगे इस तरह से। साइड से दो पाइप चिपकाने के बाद हम इसी तरह से दो पाइप चिपका लेंगे दूसरी साइड में और ऊपर से उनके ऊपर एक पाइप इस तरह से रख देंगे। अब ये हमारा बिल्कुल स्विंग किया पोस्चर में बिल्कुल तैयार हो गया है। हमारे झूले का बेस तैयार होने के बाद जो हमने कार्डबोर्ड की मदद से झूला बनाया था उस पर हमें दो जो पाइप थे उनको ऊपर से राउंड शेप में मोड़कर इस तरह से इस झूले के साइड में चिपका देंगे। अब एंड में ये दोनों स्टैंड लगाने के बाद हम झूले को स्टैंड पर लटकाने के लिए जो पाइप है ये इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से हम इसके अंदर इसको डाल देंगे और इस तरह से झूले को हमने जो स्टैंड बनाया था उस पर डाल देंगे। एंड में हमारे इस प्यारे से झूले को फिनिशिंग टच देने के लिए हम कुछ फ्लावर्स बनाएंगे कलरफुल पेपर के इस तरह से। इसको कट करते हुए फ्लावर्स बनाएंगे। आप देखते जाइए कैसे बनाना है फ्लावर्स। आप जितनी मर्जी हो आपकी उतनी फ्लावर्स इस झूले पर लगा सकते हैं जिससे इसका फिनिशिंग लुक बहुत ही अच्छा दिखे। आप इसको इस तरह से घुमाते हुए बनाते जाइए। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आपको फ्लावर बनाना है, आप देखते जाइए। बहुत ही सुंदर फ्लावर बनके तैयार होगा, बहुत ही इजी है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, बिल्कुल नॉर्मल है। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। लास्ट में जो कि
ऊपर भी कुछ फ्लावर्स से इस तरह से हम डेकोरेट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो झूला है वो बहुत ही सुंदर दिखे। देखिए, आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पिंक एंड येलो का ही कॉम्बिनेशन लें। आपको जिस भी तरह का कलर पसंद है उससे आप इसकी सजावट कर सकते हैं। ये हमारे लिटिल कृष्णा का झूला बनकर तैयार हो गया है। आप जन्माष्टमी के अवसर पर इस तरह से इसको बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। आने वाली जन्माष्टमी पर इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी मेरी तरह क्राफ्ट लवर हैं तो इस तरह से ये झूला जरूर ट्राई कीजिए, जिससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। एंड में इसको पूरा फिनिशिंग टच देने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से होगा। आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इस झूले का वाव वाला पार्ट कौन सा लगा। लड्डू गोपाल को आप इसमें रख के आप इसको इस तरह से झुला सकते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।